मेरी उम्र 28 साल है और मैं गांव की रहने वाली सीधी सादी सी औरत हूँ। मेरी शादी को बहुत ज्यादा समय तो नहीं हुआ था। मेरा देवर बहुत ही पूजा पाठ करने वाला, पढ़ा लिखा और बहुत सुंदर था। उसकी शादी हो गई थी। शादी की रात ही ना जाने कैसे मेरी देवरानी गायब हो गई। उसे हर जगह ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। कुछ समय बाद मेरे देवर की दो और शादियां हुई लेकिन वो दोनों भी रातों रात गायब हो गई और बहुत ढूंढने पर भी कहीं नहीं मिली। हर कोई यही सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिर शादी की रात मेरा देवर ऐसा क्या करता था उसकी बीवी के साथ जो वो रातों रात गायब हो जाया करती थी। सब लोग बहुत ही परेशान थे। कुछ समय और बीता तो मेरे देवर की चौथी शादी भी कराई गई, लेकिन उस शादी को करने से पहले उसके कमरे में कैमरा लगवा दिया गया ताकि सबको पता चल पाए कि आखिर पहली रात उसके कमरे में ऐसा क्या होता है। उस रात की रिकॉर्डिंग देखकर सभी लोगों के होश उड़ गए क्योंकि मेरा देवर हर लड़की के साथ बहुत ही वाक्या को काफी साल हो चुके हैं। हम गांव में रहा करते थे। आप तो जानते ही हैं, गांव में ज्यादातर कच्चे घर होते हैं। कुछ साल पहले हमारे गांव में एक बहुत ही अजीब चीज हुई जिसे कोई भी भुला नहीं पाया। मेरा देवर बहुत ही पूजा पाठ करने वाला एक खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का था। जिस दिन उसकी शादी हुई उसी रात उसकी बीवी को कोई ले गया। बहुत ढूंढने पर भी वो कहीं भी नहीं मिली। हर किसी ने मेरी देवरानी को ढूंढने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई भी पता नहीं लगा पाया। मेरे देवर की तो दुनिया बसने से पहले ही उजड़ गई। लेकिन क्या करते, घर वालों ने और देवर ने रोकर सब्र कर लिया। इस वाक्या को लगभग 3 साल गुजर गए थे। अब घर वालों ने सोचा कि उसकी दूसरी शादी कर देते हैं। वो कब तक ऐसे ही रहेगा। जिससे उसकी शादी तय हुई उस लड़की का नाम राधा था। वो बहुत ही खूबसूरत थी और मेरे देवर को पाकर बहुत खुश भी थी। वो दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश नजर आ रहे थे। शादी को कुछ ही समय हुआ था कि राधा भी कहीं गायब हो गई, कहीं नहीं मिल रही थी। राधा के घर वाले और तो और पूरे गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे कि आखिर वो कहां गई, क्योंकि ये पहली बार तो नहीं हुआ था। मेरे देवर की पहली बीवी भी इसी तरीके से गायब हो गई थी। मेरे देवर का नाम रमेश था। मेरे घर वालों ने और राधा के घर वालों ने दोनों ने ही मिलकर राधा को ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो कहीं भी नहीं मिली, जैसे उसे कोई जमीन खा गई हो। खैर, मेरे देवर ने इसे एक और हादसा समझते हुए अपना लिया। लेकिन इस बार पूरे गांव में ही मेरे देवर के खिलाफ अजीब गरीब बातें होने लगी थी। हर कोई उसे अजीब निगाहों से देखने लगा था। यहाँ तक कि आसपास के गांव में भी ये बात फैल गई थी कि कुछ लोगों को तो ये तक लगा था कि उसके ऊपर कुछ ऊपरी चीज है। कुछ लोगों का मानना था कि वो खुद ही अपनी पत्नियों को गायब करने लगा है। मन तो बिल्कुल नहीं मानता था कि उसके बारे में ये सब बातें होती हैं, लेकिन क्या करते, जैसा हुआ था इस तरीके की बातें दिमाग में आना नॉर्मल ही था। धीरे धीरे समय बीतता गया और आज 4 साल हो गए। इस बीच मेरे घर वालों ने उन्हें फिर से कहा था शादी करने को, पर उन्होंने ही शादी के लिए मना कर दिया। एक दिन अचानक एक दूर के गांव की लड़की का रिश्ता मेरे देवर के लिए आया। वो लोग इस बारे में नहीं जानते थे। उस लड़की का नाम रीना था। दोनों का ही रिश्ता हो गया। सब कुछ बहुत अच्छे से संपन्न भी हुआ। घर वालों ने किसी तरीके की कोई दहेज की मांग भी नहीं की। एक सिंपल मंदिर में शादी कर दी। उन्हें डर था कि कहीं अगर रमेश के साथ होने वाले हादसे के बारे में उन्हें पता चल गया तो वो अपनी बेटी नहीं देंगे। शादी बहुत ही जल्दी कर दी गई और गांव से किसी भी आदमी को शादी में शरीक नहीं होने दिया गया। मेरे घर वालों को डर था कि कहीं उस हादसे की बात किसी के मुंह से ना निकल जाए। खैर, रीना मेरे देवर की पत्नी बनकर हमारे घर आ गई। घर के सभी लोग बहुत खुश थे, मेरा देवर भी बहुत खुश था। लेकिन जैसे जैसे ही रात हो रही थी सबको पुराने हादसे याद आ रहे थे। यही डर था कि जैसे उसकी पहले दो पत्नियों के साथ हुआ वही रीना के साथ ना हो जाए। रीना एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। उसके व्यवहार से ही पता चल रहा था कि उसने मेरे देवर को और हमारे पूरे परिवार को खुले दिल से अपनाया है। शादी की पहली रात कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक था। रीना को अगले दिन उसके कमरे में देखकर सबके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई कि चलो उस हादसे से बच गए। धीरे धीरे समय गुजरने लगा और उन दोनों की शादी को 3 महीने हो गए। एक दिन अचानक उन दोनों के कमरे से बहुत तेज चीखने की आवाज आई। जब घर के लोग दौड़कर उस कमरे में गए तो वहां पर रीना नहीं थी। रीना को ढूंढने के लिए घर का एक एक इंसान कहां कहां नहीं भागा था पर वो कहीं नहीं मिली। पुलिस भी आई थी, पुलिस के ढूंढने के बावजूद वो नहीं मिली। अब हम सबको समझ आ गया था कि रीना के साथ भी वही हुआ है जो मेरे देवर की पहली दो पत्नियों के साथ हुआ था। अब तो गांव के सभी लोगों को पूरा यकीन हो गया था कि मेरे देवर के ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है। धीरे धीरे गांव के सभी लोगों ने हमारे परिवार से मिलना और बात करना बंद कर दिया। गांव की पंचायत बैठी और उन्होंने ये फैसला सुना दिया कि हमारा परिवार यहां नहीं रह सकता। हम सभी को उस गांव से निकाल दिया गया।
मेरी ससुर जी ने अपना वहां का पुराना घर बेचकर पास के ही गांव में घर ले लिया और हम सभी वहीं रहने लगे। हम जिस गांव में गए थे उस गांव में एक कीर्ति नाम की लड़की रहती थी। उसकी उम्र कुछ 30 साल की होगी, लेकिन खूबसूरत इतनी कि कोई देखकर उसे 20-22 साल से ज्यादा का नहीं कह सकता। कीर्ति और मेरे देवर की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी। कीर्ति के बारे में भी गांव के सभी लोग बहुत अजीब अजीब बातें किया करते थे कि उसके ऊपर कुछ है और भी ना जाने क्या क्या। देखने में तो कीर्ति बहुत ही भोली और मासूम सी लगती थी, पर ना जाने क्यों वो पूरे गांव में बदनाम थी। उसके बारे में जो बातें होती थी वो बात कुछ इस तरीके से थी कि शादी के दूसरे दिन ही उसका पति एक रोड एक्सीडेंट में गुजर गया और विधवा होने के बाद वो अपने मायके आ गई। पूरे गांव के लोग उसको मनहूस और ना जाने क्या क्या कहा करते थे। कुछ समय ऐसे ही निकल गया और कीर्ति की शादी उसके घर वालों ने एक अमीर लड़के से करा दी। लेकिन भगवान जाने किस्मत को क्या मंजूर था कि उसका दूसरा पति भी शादी के अगले ही दिन मर गया। बेचारी क्या करती, फिर अपने मायके वापस आ गई, क्योंकि ससुराल वालों ने उसे नहीं रखा था। आप तो जानते ही हैं, अगर कभी ऐसा कुछ हादसा हो भी जाए तो सारी की सारी जिम्मेदारी सिर्फ औरतों पर ही आ जाती है, जैसे उसने खुद ही किया हो। पर इस बार गांव के लोगों ने कीर्ति को नहीं छोड़ा था। एक आजाद ख्याल की आज के समय की लड़की थी कीर्ति, वो बहुत ही मॉडर्न थी, लेकिन गांव वाले ने तो उसको ताने दे देकर उसका जीना मुश्किल कर दिया था। जबकि इस हादसे में उस बेचारी का क्या कसूर था, किसी की जिंदगी और मौत तो इंसान के हाथ में होती ही नहीं है, ये सब तो भगवान के हाथ में है। कम से कम उस समय तक तो कीर्ति के बारे में मैं यही सोचती थी। मुझे बहुत दुख होता था उसकी स्थिति को देखकर। कुछ और समय ऐसे ही बीता। दो पति के मरने के बाद उसकी हालत बहुत ही खराब हो गई थी। गांव के लोग उसे आते जाते उठते बैठते छोड़ते ही नहीं थे, हमेशा उसे कुछ न कुछ ताने दिया करते थे। कीर्ति के दो पतियों के मृत्यु के बाद उसकी खुद के घर वाले तक उसको मनहूस मानने लगे थे। सभी उसे बहुत ही अजीब तरीके से बात करते थे। मेरे देवर के लिए भी सबको यही लगता था कि वो खुद अपनी बीवियों को गायब कर देता है। और अब तो कीर्ति के बारे में भी ऐसी ही बातें होने लगी थी। गांव के लोग कहते थे कि वो खुद अपने पतियों को मार देती है। अब क्योंकि कीर्ति और मेरे देवर की कहानी बिल्कुल एक जैसी थी, तो मेरे ससुर जी ने सोचा कि वो एक बार कीर्ति के घर वालों से शादी के लिए बात करेंगे। एक दिन वो मेरे देवर का रिश्ता कीर्ति के घर लेकर गए। कीर्ति के घर वाले तो उसको लेकर वैसे ही बहुत परेशान थे, क्योंकि दो पतियों की मृत्यु के बाद अब कोई भी रिश्ता कीर्ति के लिए नहीं आ रहा था। तो जैसे ही मेरे ससुर जी ने रिश्ता लेकर गए, उनकी खुशी का तो ठिकाना ही ना रहा और उन्होंने बिना कुछ जांच परख के शादी के लिए हाँ कह दी। धीरे धीरे जब गांव में ये खबर फैली कि इन दोनों की शादी हो रही है, तो गांव के कुछ लोग अलग ही बातें शुरू कर दी। गांव में लोग कहने लगे कि कीर्ति के दो पति पहले ही मर चुके हैं और रमेश की 3 पत्नियां भाग चुकी हैं। अब देखना ये है कि कीर्ति भागेगी या रमेश मरेगा। जैसे कोई कॉम्पिटिशन हो गया था। लोगों को किसी के दुख दर्द से कोई फर्क कहाँ पड़ता है, लोगों को तो अपना मनोरंजन चाहिए, जो वो किसी न किसी बहाने ढूंढ ही लेते हैं। गांव में तो यहाँ तक बातें हो रही थी कि अब जाकर पता चलेगा कि इन दोनों में से आखिर मनहूस कौन है। खैर, लोगों का काम तो बोलना है, वो हमेशा बोलते ही रहेंगे। मेरे देवर और कीर्ति की शादी हो गई। शादी की सारी रीति रिवाज को पूरा करने के बाद कीर्ति मेरे देवर के कमरे में जाकर बैठ गई और उसका इंतजार करने लगी। मेरा देवर अभी भी मेहमानों के पास ही बैठा हुआ था। लगभग 2-3 घंटे बाद मेरा देवर कीर्ति के पास गया। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, उस कमरे में एक अजीब सी खुशबू फैली हुई थी। खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मेरे देवर के सुहागरात के कमरे को बहुत ही अच्छे से सजाया भी गया था। कीर्ति बिस्तर पर घूंघट ओढ़े बैठी थी और मेरा देवर मुस्कुराता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। मेरे देवर ने बड़े ही प्यार से कीर्ति का हाथ थामा और उसे कहा कि मुझे माफ करना, मुझे अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर हो गई। कीर्ति ने भी शर्माते हुए कहा कि कोई बात नहीं, आप देर से ही सही लेकिन आए तो। कीर्ति की बात सुनकर मेरा देवर मुस्कुराया और उसे पूछने लगा कि कैसी हैं आप। कीर्ति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा देवर घूंघट उठाने जा ही रहा था कि कीर्ति ने अपना घूंघट पकड़ लिया। मेरे देवर ने मुस्कुराते हुए कहा कि घूंघट नहीं उठाना है क्या, कब तक ऐसे ही रहोगी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। कीर्ति मेरे देवर को कहने लगी कि सुहागरात का कोई तोहफा नहीं लाए आप मेरे लिए। देवर ने एक अंगूठी निकालकर उसको पहना दी। वो बहुत खुश हुई। ये सब बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, ये सब कुछ हम सब ने CCTV कैमरे में देखी थी। कुछ देर बाद कीर्ति ने एक दूध का ग्लास मेरे देवर के हाथ में थमा दिया। देवर ने वो दूध पीने के बाद कीर्ति का हाथ पकड़ा और कमरे की लाइट बंद कर दी और दोनों एक ही बिस्तर पर लेट गए। धीरे धीरे मेरे देवर ने कीर्ति का हाथ अपने मुंह पर फिराना शुरू किया और ऐसा करते करते ही अपने होठों पर लगाकर अपने मुंह के अंदर उसका हाथ डाल लिया। उसके हाथों को मेरे देवर ने काटना शुरू कर दिया। कीर्ति जोर से चीखने लगी।
लेकिन मेरे देवर ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह पर डाल दिया और उसको चीखने से रोक दिया। उसका हाथ वो बहुत तेजी से काट रहा था। जब उसका हाथ काट रहा था तो उसने ध्यान दिया कि कीर्ति के हाथ से खून नहीं निकल रहा। जैसे ही उसने उसका हाथ अपने मुंह से निकाला, कीर्ति ने उसे धक्का देकर बेड से नीचे गिरा दिया। कीर्ति कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुम इंसान नहीं हो, एक आदमखोर हो जो इंसानी मांस खाता है। मेरा देवर हड़बड़ा कर उठा, उसने लाइट खोल दी और उसको बड़ी ही अजीब तरीके से देखने लगा। कीर्ति कहने लगी कि मैं जानती हूँ कि तुमने अपनी 3 पत्नियों को मारकर उसका मांस खाया है और उनका बाकी बचा शरीर तुमने छुपा दिया। तुम्हें क्या लगता है कि कुछ नहीं पता मुझे? मैंने सब कुछ जानकर ही तुमसे शादी की है। गांव वालों को तो लगता है कि तुम्हारे ऊपर कोई भूतिया साया है, पर मैं जानती हूँ कि तुम क्या करते हो। तुम्हें क्या लगा था कि जैसे तुमने अपनी 3 पत्नियों को मार दिया, वैसे ही तुम मुझे भी मार दोगे? कीर्ति जोर जोर से हंसने लगी। मेरा देवर उसे पूछने लगा कि तुम इतना सब कुछ कैसे जानती हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कौन हूँ? मेरी पत्नियों के साथ क्या हुआ तुम कैसे जानती हो? तुम कौन हो? जब मैं तुम्हारा हाथ काट रहा था तो तुम्हारे जिस्म से खून क्यों नहीं निकल रहा था? आखिर कौन हो तुम? सुनते ही कीर्ति जोर जोर से हंसने लगी और कहने लगी कि तुमने सही कहा, मैं कोई इंसान नहीं, मैं एक चुड़ैल हूँ और आज तुम मेरे हाथों मरोगे। धीरे धीरे कीर्ति ने एक चुड़ैल का रूप ले लिया। मेरे देवर के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। डरते डरते वो कीर्ति को कहने लगा कि अगर मैंने अपनी पत्नी को मारा है तो तुमने भी तो अपने पतियों को मारा ही होगा। कीर्ति कहने लगी कि तुमने सही कहा, मैंने उन्हें मारा है और अब बारी तुम्हारी है। तुम्हें मार कर मैं तुम्हारा खून पी लूंगी और ज्यादा से ज्यादा सालों तक मैं जवान रह पाऊंगी। मेरा देवर कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं कर सकता? मैंने भी अपनी 3 पत्नियों को मारा है। इतना बोलते ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर गिर गए और बहुत बुरी तरीके से एक दूसरे से लड़ने लगे। मेरे परिवार वाले और गांव वाले ये सब कुछ सीसीटीवी कैमरे में बाद में देख रहे थे। हम सबके तो रोंगटे ही खड़े हो रहे थे। ये सब कुछ देखते हुए काफी समय तक वो दोनों एक दूसरे को काटते रहे और एक दूसरे से लड़ते रहे। मेरा देवर उसका खून पीने की कोशिश कर रहा था और मैं और चुड़ैल उसका। एक दूसरे को उन दोनों ने इतना ज्यादा जख्मी कर दिया था कि कुछ समय तक लड़ने के बाद उन दोनों ने वहीं पर दम तोड़ दिया। अगली सुबह जब दोपहर तक वो दोनों अपने कमरे से बाहर नहीं निकले, तब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया और अंदर का जो हाल था उसे देखकर सबके होश उड़ गए कि आखिर ये क्या हुआ। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी गई तो जो कहानी मैंने आपको सुनाई है ये सब उसी में रिकॉर्ड थी। सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे लोग इस कहानी पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन आज भी गांव, देहात, पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाएं होती हैं। खैर, जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, गांव वालों को चुड़ैल और उस आदमखोर दोनों से ही निजात मिल गई। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर ईश्वर है तो ऐसी चीजें भी हैं। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिएगा। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।